राइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष। जनपद बाराबंकी के विकास खंड हरक क्षेत्र अंतर्गत भानौ चौराहे पर 21 सितंबर को भानौ वाया गंगागंज सलीमपुर मार्ग, जिसकी लंबाई लगभग 10.5 किलोमीटर है, शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत व भाजपा मंडल अध्यक्ष हरक मंडलाध्यक्ष सिद्धौर और ग्राम पंचायत इसरैली सेठ सोनू प्रधान, आदमपुर भटपुरा के शंकर सिंह प्रधान समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। अंधा माननीय सांसद ने बताया कि अब की बार रोड FRE टेक्नोलॉजी से बनेगी, जिसकी एक खासियत होगी कि सड़कें करीब 10 साल तक नहीं टूटेंगी और यह सड़क PWD विभाग के अंतर्गत नहीं है, जिससे यह सड़क बनेगी। यह पहली सड़कों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा मजबूत होंगी। बाराबंकी से जिला संवाददाता संदीप कुमार यादव की रिपोर्ट। मंडल के अध्यक्ष हमारे भाई सिद्धौर जी का कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, आपको समस्ती जी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन भाई रामनाथ वर्मा जी, युवा मोर्चे के जिला महामंत्री रवि आर वर्मा जी, पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारी हमारे साथ में हैं, जिनका नाम पहले लिया जा चुका है सभी सामान्य साथियों, और भारी संख्या में उपस्थित यहाँ पर सभी सम्मानित ग्राम प्रधान तथा अन्य सभी सम्मानित साथी। आज जिस सड़क के शिलान्यास के अवसर पर हम आपके बीच में आए हैं, जब हम सांसद हुए थे तो मुझे दो सड़कों को का उद्घाटन करने का मौका मिला। सांसद हुए तो विभाग के लोग आए, कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों का उद्घाटन करना, हमने बोला कितनी, तो कहा 2 सड़कें, हमने कहा इतनी कम क्यों है, तो पता चला कि पैरवी कम हो पाई इसलिए नहीं हो पाई। 2 सड़कों का शिलान्यास उद्घाटन किया। और खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।